ये स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो इक्वेशंस रिलेटिंग दी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा इक्वेशन जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल को बताएगा, रिलेट करेगा दो इनर्शियल फ्रेम में, और वो बेस्ड होगा किस पे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो कहलाएगा आपका लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं इसके पोस्टुलेट्स। तो कोई पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लॉरेंस ने सर्च किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम रिप्लेस कर सकता है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसा रिजल्ट देने के लिए जो कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से अग्री करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इनर्शियल सिस्टम लेते हैं, एस और एस डैश। ये एक इनर्शियल सिस्टम है एस, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। दूसरा सिस्टम जो है आपको दिख रहा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक एस और एक एस डैश, इस नाम से हम इसको शो करेंगे। सिस्टम एस डैश जो है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान रखा है कि जो एक्सिस है दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये कोइंसाइड करेगा टी इक्वल टू टी डैश इज इक्वल्स टू जीरो पे। अब मान के चलें कि एक पल्स ऑफ लाइट जनरेट होती है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। कहाँ पे जनरेट हो रही है? ओरिजिन ओ में, और वो धीरे धीरे बढ़ती है स्पेस में। अब एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि वो पल्स जो है वो पहुँच जा रही है पी पॉइंट पे। तो जो पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट है पी का, अगर कोई ऑब्जर्वर ओ से देख रहा है तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा, और अगर ओ डैश से देख रहा है तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने एक इक्वेशन लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इसे देते हैं इक्वेशन वन। अब जब ये तब है जब पल्स को एस से देख रहे हैं। अब पल्स को जब एस डैश से देखा गया तो है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन टू हो गया। ऑल्सो वाई और वाई डैश सेम है, जेड और जेड डैश सेम है। इक्वेशन वन टू थ्री तीनों को यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल। जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स और एक्स डैश में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स माइनस वी टी से, जहाँ पे लैम्डा इंडिपेंडेंट होगा एक्स और टी के। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आया। तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, यहाँ पे सी के फॉर्म पे है, यहाँ पे हम इसको वी के फॉर्म पे लिख रहे हैं। अगर हम ये सपोज करते हैं कि जो सिस्टम एस है वो मूव कर रहा है रिलेटिव टू एस डैश विथ वेलोसिटी माइनस वी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि मोशन रिलेटिव है इसीलिए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स लिखेंगे। आगे बढ़े तो एक्स डैश को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फाइव से सिक्स में, तो हमारे को ये इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू और वी टी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हम फर्दर t डैश की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेवन दे देते हैं इसे। सब्स्टिट्यूट करेंगे x डैश को वो इक्वेशन नंबर फाइव से और t डैश को इस इक्वेशन से। x डैश तो पहले निकाल चुके हैं, t डैश निकाल करके हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सीधे एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर वाले इक्वेशन में, तो हमको कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये एक इक्वेशन इस तरीके का मिल जाएगा यहाँ पे, और ये एक आइडेंटिटी है, और इसीलिए जो कोफिशियंट है अलग अलग एक्स और टी के पावर्स के वो वैनिश हो जाएंगे सेपरेटली। तो हम इक्वेट करेंगे टी स्क्वायर के कोफिशियंट को, इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा आपको, लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक्स टी के कोफिशियंट को इक्वेट करें तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा डैश सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन 11। इक्वेशन 9 और 11 की मदद से हमको लैम्डा और लैम्डा डैश की वैल्यू इक्वल मिलेगी जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 10 से वो हमारे स्टार्टिंग वाले इक्वेशन 5 में, तो हमको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा स्पेस के लिए, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा की वैल्यू को 7 में तो टी डैश मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश लिया था हमने, इसलिए हम एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टी डैश आपको मिल गया। ये जो नया इक्वेशन है एक्स डैश वाला और टी डैश वाला, ये कहलाता है लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो सिस्टम एस है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी माइनस वी से रिलेटिव टू एस डैश अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो फिर इसको हम x के फॉर्म पे लिखेंगे, सिंपली ट्रांसफॉर्म करके x की ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y, तो y डैश और z z डैश है, t की वैल्यू आपके पास ये मिल गई। तो ये जो है ये कहलाएंगे फिर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।